सदर दारुल उलूम हैदराबाद मौलाना नईमुद्दीन हुसामी ने आज अपने एक बयान में कहा कि जिस तरह से मीडिया और सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात के मरकज़ को निशाना बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत रुझान है जो समाज को दो हिस्सों में तकसीम कर देगा। मौलाना ने कहा, वक्त इस वबा से मुकाबले का है और ऐसे हालात में इस तरह की वाहियात बातों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सदर सिराजुल उलूम अकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन आदिल हुसामी, हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि जो हाल ही में जो दिल्ली में जो हालात चल रहे हैं, मरकज़ को लेकर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या नज़रिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दिल्ली में जो मरकज़ है तबलीगी जमात का, उससे मुतालिक अगर कोई गलत फहमियाँ हो रहे हैं या गलत उससे मुतालिक कोई ऐलानात हो रहे हैं तो उसकी तहकीक ज़रूरी है। जहाँ तक अखबारी इत्तलात हमारे सामने हैं, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ है उसका तबलीगी जमात के लोगों को कोई आइडिया नहीं था। ये तो जो है गालिबन 13 या 14 तारीख को जो आपके मार्च के माह पर मुनक्किद हुआ, उससे पहले तो कोई ऐसा जो है ज़्यादा पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये मरस कितना फैलेगा, उसके लिए क्या हिदायतें हैं, ये सब कुछ भी मालूम नहीं था। और अखबारी इत्तला के लिहाज से मुंतजिमीन ने यह कहा है कि जब हमको उसकी इत्तला हुई तो हम फौरन वहाँ की हुकूमत को इत्तला दिए कि यहाँ से लोगों को भिजाने के इंतज़ाम कीजिए, सवारी का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि सडन जो है लॉकडाउन हो गया। अब उसमें पूरे के पूरे लोग महसूर हो गए एक जगह, अब कहीं जा नहीं सकते। अब होगा क्या, नतीजा ये है कि वहीं पर रह गए। अब अगर वहाँ पर रहने की वजह से कोई अगर उससे मुतासिर हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि तबलीगी जमात के ऊपर कोई एतराज़ हो या वहाँ के मुंतजिमीन के ऊपर कोई एतराज़ हो। ये तो वहाँ की हुकूमत का काम था, वहाँ की पुलिस का काम था कि जब उनको इत्तला दी गई कि इतने लोग यहाँ जमा हैं, इन लोगों को फौरन अपने अपने मुकामों पर भेजने का इंतज़ाम कीजिए, तो वो पता नहीं वो लोग उसको सीरियस लिए या नहीं लिए, या कुछ गए या कुछ बच गए, वो तो वो लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये वाक़े की वजह से जो है तबलीगी जमात या उनके मुंतजमीन को जो है मुरीद इल्ज़ाम बनाएं या उन पर कोई केस डालें। केस उस वक्त होता है जबकि हुकूमत की हिदायत के ख़िलाफ़ किया जाए। जबकि हुकूमत की कोई हिदायत ही नहीं आई है, उससे पहले अगर कोई मजमा जमा हुआ है तो उन पर केस डालना, ये तो बात समझ में आने वाली नहीं है। तो मेरा नज़रिया तो ये है कि आप इस सिलसिले में अब देखना यह है कि केस क्या बोल के डालते। मरकज़ है, बरसा बरस से चल रहा है, वहाँ पर इज्तिमात होते हैं, दीन की बातें होते हैं। अब ये एक हालात ऐसे हो गए, वैसे में जो मजबूरन लोग जो फंस गए वो अपनी मर्जी से नहीं फंसे, वो ये नहीं चाह रहे थे कि हम अपने मुकाम पे नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं था। फंस गए ये हम और आप कह रहे हैं, लेकिन जो मीडिया की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है, जो खबरें आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि रुकाया गया, छुपाया गया है। नहीं, ये तो एक फर्जी बात मालूम होती है। जब ऐसी चीज़ मंजर आम पर आ गई तो मुंतजमीन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि उनको जो है रोक लिया जाए, आप अपने मुकाम पर मत जाओ, और उसको छुपाना उसकी कोई अहमियत नहीं है, छुपाने की बात नहीं है। तो पता नहीं ये मीडिया में इस अंदाज की बात क्यों कही जा रही है, ये तो ताज्जुब की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मगर हालात चूंकि सडन बदले हैं, मजबूरन वो लोग वहाँ फंस गए हैं, और इस अंदाज के पता नहीं और भी दूसरे मुकामों पर कुछ भी लोग फंसे हुए होंगे, क्योंकि ट्रेन बंद हो गए, बसेस बंद हो गए, आने जाने की कोई सहूलत नहीं है, तो फिर इंसान करेगा क्या? जी हाँ, यहाँ पे भी कई गरीब लोग कई किलोमीटर तक पैदल दूर गए आए हैं, कई लोग रुक गए हैं कुछ वजहों से, कई लोग नहीं जा सके, तो फिर क्या ये लोग भी वही जिम्मेदार, इनके जिम्मेदार वो लोग ही रहेंगे फिर? हाँ, ये भी एक मसला है कि ये तो खैर तबलीगी जमात की एक बात जो है एक इश्यू बना रहे हैं इसको, ऐसे कई चीज़ें हैं।
अब आप देखिए जो मजदूर लोग हैं वो अपने मकामों पे जाने के लिए बेचैन है मगर सवारी का इंतजाम नहीं है। अब वो लोग पैदल निकल गए हैं, अब पैदल जा रहे हैं तो अब आप बताइए सवों की तादाद में जा रहे हैं तो उन लोगों का आखिर हशर क्या होगा। उनके अंदर औरतें भी है, बच्चे भी है, बूढ़े लोग भी है, फिर अब वो चले जा रहे हैं तो फिर आखिर उनके खाने पीने का, पानी का, इसका उसका इंतजाम आखिर कौन करेगा। और ये जब जा रहे हैं तो पता नहीं किस मुकाम पे ठहरेंगे, फिर उनकी वो मुकाम पर उनकी वजह से किसी किस्म का ये वायरस फैल ना जाए, ये तमाम अंदिशे है। ऐसी चीज़ें और भी है, सबों से लोग मुख्तलिफ मुकामों पर अपने मजदूर लोग फंसे हुए हैं, उसको मंजर आम पर नहीं लाकर सिर्फ एक तबलीगी जमात के मामले को सामने पेश करना ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। मौजूदा जो हालात है उस पर आप नज़र रखते हुए आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे जो अवाम है या फिर नौजवान है जिस तरह से लोग एहतियात बरतने में थोड़ी सी कमी पेशी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये जो मामला ऐसा है ये एक बला है, एक अल्लाह के तरफ से एक अजाब है, ये पूरे जो है हिंदुस्तान में फैला हुआ है, न सिर्फ हिंदुस्तान पूरी दुनिया में। तो अब हमको ये देखना है कि हमारी हुकूमत जो हमको हिदायतें दी है उस पर हमको अमल करना है, घरों से बाहर नहीं जाना है, इंसान एक दूसरे से डिस्टेंस को जो है मेंटेन करना है। ये चीज़ें ऐसे हैं जिसकी वजह से वायरस जो है इंशाल्लाह थम जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उस पर पाबंदी करना तो ज़रूरी है। और अगर कोई नहीं करता है तो वो उसकी गलती है, उसके उसको सोचना चाहिए जो भी आदमी नहीं करता भाई, उसकी अपनी जान की भी जो बात है, उसकी सलामती है, उसके अपनी फैमिली की सलामती है, फिर इसी तरीके से पूरे और तमाम लोगों की उसमें सलामती है। तो होना तो ये चाहिए कि जो उसके लिए हिफाजती जो इकदाम हैं जो हुकूमत बता रही है कि लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें उसकी पाबंदी लाजिमी है। अब जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है, अब परसों जुमा है, जुमा की नमाज के लिए जो है लोग जाने की कोशिश करेंगे, मगर उनके लिए मेरा ये यानी मेरा ये ख्याल है, वो लोगों को सुनना चाहिए कि जुमा की नमाज जो फ़र्ज है वो इज़्ने आम जब है उस वक्त फ़र्ज है। इज़्ने आम का मतलब ये है कि हर आदमी बग़ैर किसी रुकावट के नमाज के लिए जा सके, इसको इज़्ने आम बोलते हैं, जब नमाज जुमा की फ़र्ज है। अब जब लॉकडाउन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में है, खुद हमारे शहर में हर जगह है, तो ऐसे में जो है वो इज़्ने आम बाकी नहीं रहा, लोग अपने घरों से मस्जिदों को नहीं जा सकते, तो वैसी शक्ल में जुमा की नमाज हम पर फ़र्ज नहीं है, अल्लाह के तरफ से हमारे को फ़र्ज नहीं है। अब दीनों युसरुन, दीन आसान है, दीन में जो है ज़बरदस्ती नहीं है, तो जब ये चीज़ हमारे पास इज़्ने आम की नहीं है तो हमको ये चाहिए कि घरों में जोहर की नमाज़ पढ़ें। जब जुमा हमारे पे फ़र्ज वही नहीं है तो फिर हमारे को परेशानी क्या ज़रूरत है, घरों में जोहर की नमाज़ पढ़ें, और अल्लाह ताला नियतों को जानता है, इंशाअल्लाह ताला हम गुनाहगार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नईम मौलाना साहब जो कि अपने इजहार ख्याल भी बता रहे थे और साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि जुमा के दिन जिस तरह नमाज फ़र्ज होती है किस तरह फ़र्ज नहीं होती है, क्या वजह हो इसकी, वो भी थोड़ा सा खुलासा आपके सामने रखा है। तो अल्लाह से दुआ है कि इस बात को हमारे तमाम शहर के नौजवान इसको समझें और ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें, जो इकदाम हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं उसका एहतराम करें, उसको माने और उस पर अमल करें। कैमरामैन नवीद के साथ मैं जफर खान, सिटी इंडिया न्यूज़ के लिए मुगलपुरा हैदराबाद से।